नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे चोक कॉयल के ऊपर कि चोक कॉयल का यूज़ कहाँ आता है और ये काम कैसे करता है। बेसिकली जो चोक कॉयल है उसका काम हम लोग ट्यूबलाइट्स में लेते हैं। जो आजकल ऊपर की ट्यूबलाइट आती है वो तो LED आती है। पहले जो ट्यूबलाइट्स आती थी उसमें चोक कॉयल का होना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि जो चोक कॉयल है वो स्टार्टर के साथ मिलकर उसको एनर्जी प्रोवाइड करती थी स्टार्ट होने के लिए। आपने कभी देखा होगा कि जो ट्यूबलाइट थी पहले वो थोड़ा टाइम लेती थी स्टार्ट होने के लिए। वो सब स्टार्टर चोक कॉयल की वजह से होता था, वो उसको पावर देती थी तब वो स्टार्ट होता था। बेसिकली मेरे पास एक चोक कॉयल है जिसमें आप देख सकते हैं ये एक AC ट्रांसफार्मर है, ये दो कैपेसिटर लगे हैं 250 वोल्ट के, ये छोटे कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर लगे हैं और डायोड लगे हैं छोटे छोटे। अब बेसिकली काम क्या होता है, ये जो करंट आता है इलेक्ट्रिसिटी उसमें ट्यूबलाइट में, तो ये जो आती है वो 240 वोल्ट आती है और ट्यूबलाइट की ज़रूरत होती है 110 वोल्ट की। तो क्या होता है, जब करंट आता है तो वो सीधे इधर AC में आता है, तो AC उसको DC में ट्रांसफ़र करके, ट्रांसफॉर्मर में उसको DC में ट्रांसफ़र करके उस अंदर भेजता है 110 वोल्ट में। आगे जब जाती है तो वो स्टार्टर के साथ जब बुढ़ती है तो वो स्पार्क करती है, थोड़ा सा स्पार्क करने के बाद वो आगे जलता है। अब क्या होता है, इसका काम इसलिए लिया जाता है कि जो पहले जो ट्यूबलाइट्स आती थी वो ट्यूबलाइट्स में पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता था, मतलब कि बिजली बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। तो चोक कॉयल का काम लिया गया, इसकी इसमें बिजली बहुत कम वेस्ट होती है। आपने अगर कभी ट्यूबलाइट को हाथ लगाया होगा तो देखा होगा गर्म बहुत कम होती है, मतलब गर्म होती ही नहीं, बहुत नेग्लिजिबल गर्म होती है, क्योंकि चोक कॉयल का असर है ये बिजली को बहुत कम कर देता है और पावर लॉस बहुत कम कर देता है, आगे बिजली ज़्यादा जाने नहीं देता। बस ये सब था चोक कॉयल के बारे में, बाकी इसके बारे में कुछ नहीं है। अब तो चोक कॉयल बंद हो गए क्योंकि LED आने लग गई है। LED में फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जो है उसमें फ्लोरोसेंट्स भरा होता है, वो मरकरी के साथ ड्रॉप्स होते हैं उसके साथ इकट्ठे होकर जलती हैं, इसलिए चोक कॉयल का काम आजकल तो यूज़ ही नहीं आता, पहले आता था। तो ये सब था चोक कॉयल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।